नमस्कार साथियों, आदाब। और मैं आपके बीच हाजिर हूँ। ये आप जानते भी हैं कि हमारे यहाँ जो जाति जो गणना है वो उसकी प्रशिक्षण शुरू हो गया है। तो सबसे बड़ी जो हमारे जितने भी जो ट्रेनिंग लेने वाले हैं उनके अंदर क्या क्या चुनौतियाँ आ रही हैं और ये जाति गणना में क्या क्या समस्या हैं, मेन पॉइंट क्या है, उस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा। और मैं बताते चलूँ कि चूँकि ये जाति गणना यहाँ पे 2022 लिखे हैं, तो जाति गणना 2022 लिखने का मीनिंग है कि चूँकि इसका प्रारूप जो है ना 2022 में ही जाति गणना करना था, लेकिन ड्यू टू कोरोना वायरस की वजह से यह स्थगित हो गया और यह अब कार्यक्रम 2023 में शुरू होने जा रहा है। तो फ्रेंड, सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो मेन जो बातें हैं, यानी एक हमारे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये भवन मकान परिवार या हम नक्शा कैसे बनाएंगे या जो हम फॉर्मेट भरेंगे, सबसे बड़ी हमारी चैलेंज क्या है कि फॉर्मेट भरने की, ये इम्पॉर्टेंट है। और मैं बताते चलूं कि इस गणना में आप जानते हैं ना कि सरकार जो दो तीन कामें होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, आपदा होते हैं और जनगणना या गणना होता है, इसमें किसी तरह का सुनवाई नहीं है। मीनिंग कि इसको आप बिल्कुल हल्के में ना लेंगे, इस काम को बड़ा ही सीरियस करना है, गंभीर रूप से करना है। अदरवाइज बाकी काम में तो क्या बोलते हैं कि कुछ हो सकता है कि आप पे शो कॉज हो जाए, लेकिन ये आपदा जो होते हैं या गणना होते हैं या इलेक्शंस होते हैं, इसमें जानते हैं ना कि सस्पेंशन ही होते हैं। तो काम को हल्का नहीं लेना है, काम को सीरियस लेना है। और एक चीज़ मैं बताते चलूँ कि जो भी काम करना है, गणना का जो भी काम करना है, वह बिल्कुल आपके जो निर्देश मिले उस निर्देश का पालन करते हुए करना है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वहाँ पे अपनी लॉजिक लगाते हैं। जी नहीं, यहाँ पे लॉजिक नहीं लगाना है। एक्चुअली हम लोग जो है ना, वो घोड़ा देखे है ना, टमटम वाला घोड़ा जो ऐसे लगा रहता है ना, उसको सीधा देखना है। मीनिंग क्या है, हमको जो निर्देश मिलेगा उसी का फॉलो करना है। इसमें ये नहीं कि कुछ अपना हम चलो भाई लॉजिक लगाकर ऐसा कर दे ऐसा कर दे, तो बिल्कुल ही गलत हो जाएंगे। आप जानते हैं कि इसके टोटल डेटा को मतलब कंप्यूटर्स पे अपलोड होंगे और चाहे वो प्रगणक हो, चाहे प्रवेक्षक हो, चाहे चार्ज अधिकारी हो, आप जानते हैं ना कि लास्ट में सबको सर्टिफिकेट देना है। और कहीं भी कोई गलती हुआ तो सीधे आप पकड़े जाएंगे और इसमें बचने का कोई गुंजाइश नहीं है। इसीलिए इस गणना को आप आसान, हाँ थोड़ा सा यहाँ पे गणना और जनगणना ये दो डिफरेंटेड, थोड़ा गणना इसको कर दिया है और जो हम लोग सेंसस जनगणना करते हैं इस पर गणना, लेकिन जाति जनगणना है। और पहला फेज जो है ना, आप जानते हैं 7 जनवरी से शुरू हो रहा है, 7 जनवरी से पहला फेज है ना। तो इसको, इस काम को मैं एक बार वो पुनः सबको बता दूँ कि काम को सीरियस करें। और काम गलत नहीं होगा, कब गलत नहीं होगा, हम लोग करते क्या है कि स्पेशली सोचते हैं कि चलो एक जगह बैठकर हम इसको कर लेंगे, तो उसमें गलती होने की संभावना दम होना ही होना है। लेकिन जब हम डोर टू डोर जाएंगे, दरवाजे दरवाजे घूमकर इस काम को करेंगे, तो कहीं गलती होने की संभावना नहीं होती है। इसीलिए इस काम को आप याद रखेंगे कि डोर टू डोर जाकर करेंगे, किसी भी हालत में एक जगह बैठकर करने की प्रयास नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे। नहीं, अगर गलती हो गया तो आप पकड़े जाएंगे, चूंकि आपकी टोटल सिस्टम जो है ना अपलोड होंगे और कोई भी पकड़े जाएंगे सीधे आप, वहाँ पे क्या होगा ना, बचने का कोई सवाल ही नहीं है। चार्ज अधिकारी बनाए गए ने, वीडियो साहब जो हमारे ब्लॉक के चार्ज अधिकारी हैं, जो हमारे प्रवेक्षक साहब हैं, आप जानते हैं ना कि प्रवेक्षक साहब भी अपनी सर्टिफिकेट क्लिक कर देंगे है ना, क्या मेरे यहाँ कोई मतलब कि घर या छूटा नहीं या सारे मतलब कि गणना हो चुका है, फिर वो चार्ज अधिकारी पास हैंड ओवर करेंगे। मीनिंग क्या है कि आपकी कोई भी, आप जब सर्टिफिकेट जब लिख कर दे रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं भी गलतियां आपके एरियाज में या आपकी गणना क्षेत्र में नहीं हुआ है, तो वो क्या होगा कि इससे
कभी मतलब आपने अपना हाथ काट दिया, यानी हमने बिल्कुल सही दिया। तो इसलिए मैं पुनः ये चाहूँगा कि हम लोग किसी भी हालत में ये गलती ना करें कि बिल्कुल हम घर पे बैठे एक जगह बैठे इस कार्य को कर लें, है ना। और एक चीज़ और है कि इसमें कुछ पॉइंट है, आज हम इस पर देखिए आपके बीच हम हैं और डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला है, पहला हमारी चैलेंजिंग यहाँ पे देखिए ना, हम लिखें कि जाति जनगणना 2022 में चूँकि ये शुरुआत है लेकिन 23 है तो इसलिए हमने 22 लिखा है। और यहाँ पे देखिए जो ये मकान हुआ है ना, कि मकान देखिए यहाँ पे हम बनाए मकान, ये चार तरह का ये सिंबल भी दिया है, यानी यह सिंबल बता रहा है कि पक्का मकान आवासीय है, ये सिंबल बता रहा है। और यह सब सिंबल बता रहा है यह है कच्चा मकान आवासीय है। और यह देखिए इसमें हम छायांकित किए हैं, इसका मतलब हुआ कि पक्का मकान गैर आवासीय है, और इसको हमने लिखकर छायांकित किया मतलब कच्चा मकान गैर आवासीय। आवासीय समझते हैं ना, आवासीय जिसमें लोग रह रहे हैं, गैर आवासीय उसमें कोई रहता नहीं है। तो फिर हम देखें तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि भवन मकान में डिफरेंटेड क्या है, भवन क्या होता है मकान क्या होता है, पहले उसको देखें तो फिर हम देखें इसको। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम मान लें यहाँ पे या ये मान लीजिए ये भवन हो गया, भवन मतलब ये बिल्डिंग्स हो गया, ये भवन हो गया। अब मकान और भवन मंत्र का अच्छा, इस भवन में मान लीजिए यहां पे ये दो दरवाजा हो गया, ये दो मेन गेट हो गए, होंगे ना दो, ये दो गेट हो गए। इसका मतलब कि ये तो भवन हो गया लेकिन ये दो डोर दिखा रहा है कि इस भवन में दो मकान है। भवन कितना है, एक है, और इसका जो दो ये दो जो गेट दिखा रहा है इसका मतलब कि इस भवन में मकान संख्या कितना है, दो है। तो पहले ये जानना जरूरी है कि भवन और मकान में अंतर क्या होता है, ठीक है ना। मतलब एक भवन में एक दो तीन मकान हो सकते हैं। मान लीजिए एक भवन है उसमें जो मेन गेट आपको तीन दिखाई दे रहे हैं, अगर मेन गेट तीन दिखाई मतलब उस भवन में मकान की संख्या कितना है, तीन है। तीन जानना जरूरी, जैसे यहाँ पे एग्जांपल हम बताएं कि मान लीजिए भवन हो गया, ये भवन हो गया ना, ये मान लीजिए भवन हो गया, लेकिन भवन में यहाँ पे देख सकते हैं ना कि दो गेट है, दो मेन गेट है ना, इसका मतलब दो मेन गेट है मतलब कि इस भवन में मकानों की संख्या दो है। हाँ, और ये हो सकता है कि इस मकान में हो सकता है इस मकान में परिवार दो रहता हो, इस मकान में हो सकता है परिवार तीन रहता हो, बस समझ गए ना। ये जानना जरूरी है कि मकान और भवन, ठीक है ना, हमको देख लेना है मकान है, अगर मान लीजिए कहीं भी जाते हैं तो हम भवन है, हम देख लिए कि भवन है, लेकिन भवन में हम देखेंगे अगर दो हमको मेन गेट दिखाई दे रहा है, तीन गेट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि उस भवन में तीन मकान है। ये तो कंसेप्ट दूर हो गया ना, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो फिर आगे देखते हैं ये मकान सूचीकरण संख्या होगा, यानी हम पहला जो 7 जनवरी से जो स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो 7 जनवरी से क्या होगा कि हम लोग ये नजरी नक्शा और मकान सूचीकरण का काम करेंगे, है ना। तो अब है कि मकान जो सूचीकरण करेंगे, आप याद रखिएगा कि उसकी दायरा हम कहीं भी जाते हैं उसमें नंबरिंग देने के लिए, और ये याद रखिएगा ये जो नंबरिंग होगा ना ये बिल्कुल ये अस्थायी हो जाएंगे, ये नंबरिंग क्या होगा ये बिल्कुल अस्थायी हो जाएंगे, वही आपका एक तरह का गृह संख्या भी हो सकते हैं। तो मान लीजिए हम किसी घर पे जाते हैं मकान पे, मान लीजिए ये मकान है, है ना, इसी मतलब ये भवन है, क्या है ये भवन है। तो हम लोग जो वहाँ पे जाते हैं, हम लोग वहाँ पे जब जाएंगे वहाँ पे तो नंबरिंग कैसे करेंगे, है ना। अब आप जा रहे हैं ना मकान का ये सूचीकरण करने के लिए, है ना, तो आप क्या करेंगे जैसे आप जाएंगे भवन पे, तो एक भवन जो भवन होगा, मान लीजिए आपने पहला भवन में गया तो गए आपने 001 कर दिया, उस भवन में अगर मान लीजिए मकान की संख्या कितना है, मकान की संख्या मान लीजिए दो है, तो यहाँ पे हम मान लीजिए दो कर देंगे, है ना, मकान की संख्या दो कर देंगे, और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे 001 यहाँ पे 002, ठीक है ना। दूसरे भवन पे गए तो दूसरे भवन की संख्या क्या हो गया, टू, ठीक है ना। अब दूसरे भवन में मान लीजिए आपकी मकान की संख्या कितना है, तीन,
है ना, तीन है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 003 004 005। फिर हम लोग तीसरे भवन पे गए तो 003, इसमें अगर मान लीजिए मकान की संख्या 2 है तो फिर हम क्या करेंगे 006 007। ये कोई दिक्कत, अब तो इसे कर लेंगे ना, ये आपका 6x6 पे होगा और ये मकान संख्या अस्थाई रह जाएंगे, ठीक है ना। अब नजरी नक्शा आप जानते हैं कि हमारा जो कोई भी हम नक्शा जब बनाते हैं तो अपर साइड को हम लोग क्या मान लेते हैं, ये नॉर्थ मान लेते हैं, ठीक है ना, और नीचे का साउथ, और ये क्या हो गया ईस्ट, ये क्या हो गया वेस्ट। अब यहाँ से हम लोग को ये नजरी नक्शा शुरू करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, रोड का है, नदी का है, सब सिंबल है आपको दिखाना है जो है। और नजरी नक्शा जब बनाएंगे ना डेफिनेटली आपको डोर टू डोर जाना ही पड़ेगा, और जब डोर टू डोर जाएंगे तो कोई हमारी प्रॉब्लम आएगी नहीं, आराम से हम उसको बना लेंगे, कहीं भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो ये नजरी नक्शा, ये आप जब भी मतलब हम लोग कहते हैं ना कि एक भंडार कौन से बनाना है, नॉर्थ से और इतने मतलब वेस्ट और नॉर्थ के साइड से स्टार्ट करते हैं, है ना, तो इससे हम स्टार्ट करेंगे और नजरी नक्शा बनाना शुरू करेंगे, है ना। तो इसमें एक बार और मैं बता दूं कि जब आप डोर टू डोर जाएंगे तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये पूरे हमारे पूरे स्टेट में हो रहे हैं ना, तो स्टेट में अगर एक ज़िला से दूसरे ज़िला में कहीं लोग रह रहे हैं, है ना, एक ज़िला से दूसरे ज़िला में लोग रह रहे हैं, तो आपको ये होगा कि किसी भी हालत में कि एक ही जगह कहीं उसका गणना होगा। अब मान लीजिए हम यहाँ हैं, अगर छपरा में ही मकान है, प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग यहाँ भी हम लिखवा देना चाहते हैं टोटल नाम, और छपरा में जो मकान है वहाँ भी लिखवा लेंगे, लेकिन यह क्या होगा कि आप बिल्कुल फंस जाएंगे। यानी बिहार के बाहर कहीं कोई रहने वाले हैं, अगर हमारे स्टेट्स के कहीं कोई बाहर रहने वाले उसका नाम दम बेहिचक लिखे जो भी लिखवाते हैं, लेकिन अगर बिहार के अंदर यहाँ भी हैं, अगर मान लीजिए सिवान जिला भी है, कहीं छपरा जिला में मकान है, तो कहीं एक जगह ही नोट होगा, याद रखेंगे। 100 के आबादी पे बनाया गया है, एक प्रगण को बनाया गया, मतलब कि 1 से 50 माने 60 घर के लिए 1 प्रगणक, अगर इसकी संख्या अगर बढ़ती है तो उसके लिए उप प्रगणक भी मतलब एक उनके साथ रखे गए हैं, अगर इतना है तो उनके लिए एक प्रगणक होंगे। और ये हम सब और अभी जानते हैं कि प्रगणक को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इनुमिरेटर कहते हैं, क्या कहते हैं, इनुमिरेटर कहते हैं। और 700 पे है यानी गृह संख्या 150 से लेकर 160, अगर इससे ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे एक उप प्रगणक भी लगाए गए हैं, है ना। मैंने मतलब जैसे मान लीजिए कोई वार्ड संख्या 8 है या 7 है तो वहाँ पे 7 का भी रखा गया है, और इससे संख्या ज़्यादा है तो, है ना, इससे ज़्यादा संख्या है तो वो रखा गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो फॉर्मेट भरने में जो फॉर्म जो प्रॉब्लम आएगी, मेनली प्रॉब्लम आएगी, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, वो जानना बहुत जरूरी। अब सबसे ज़्यादा हम लोग की ये प्रॉब्लम आएंगे जो ज़्यादातर मतलब की है कि फॉर्मेट के जो भरने में, तो मैं बताऊं कि इसको बिल्कुल मैं एक आसान बनाया हूँ, जो समझेंगे आप। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्रम संख्या है, भवन संख्या है, मकान संख्या है, जिस उद्देश्य के लिए मकान का उपयोग किया जा रहा है, और परिवार संख्या है, परिवार के मुखिया का नाम, परिवार में कुल सदस्यों की संख्या और परिवार का क्रम संख्या, ये इतने आपके कॉलम है। अब मान देखिए क्रम संख्या चलता रहेगा, जैसे 001 कर दिए, ठीक है ना, भवन संख्या कितना है 001, ओके, और मकान संख्या कितना है 3 है इसमें 001 002 003, यानी एक भवन में कितने मकान संख्या है 3 है। तो इसको क्या करेंगे, इसको डॉट डॉट कर देंगे, देखिए इसको हम डॉट डॉट कर देंगे, चूँकि एक भवन संख्या है, मकान संख्या कितना है 3, तो 001 002 003 हो जाएंगे ना, और तीनों के आवासीय तो आवासीय ऊपर लिख देंगे, नीचे हम का डॉट डॉट कर देंगे, ठीक है ना। अब एक मकान संख्या में एक परिवार रह रहे हैं, तो सोहन का, तो सोहन मुखिया है तो मुखिया का लिख देंगे, उसका परिवार संख्या उसमें 5 है तो 5 लिख देंगे, और इसका जो परिवार का क्रम संख्या होगा एक ही होगा, क्या होगा, एक होगा, चूँकि एक भवन में रह रहे हैं 3 मकान। अब है कि यहाँ पे अब भवन संख्या एक ही है, अब उस भवन मकान संख्या 2 आएगा तो फिर 022 यहाँ पे कर देंगे, है ना, और यहाँ पे क्या फिर आवासीय कर देंगे, फिर यहाँ पे परिवार संख्या कितना है 1 है, चूँकि एक मकान चूँकि भवन में 3 है,
तो वन कर देंगे, फिर मोहन, और मोहन में कितने संख्या टोटल परिवार संख्या सिक्स, और सिक्स जीरो वन ही होगा, जीरो वन ही होगा। और यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि भवन संख्या तो चूँकि वो एक ही है उसमें तीन है, तो फिर यहाँ पे तो ये थ्री ये चलते रहेगा, और यहाँ पे ये आवासीय हो जाएंगे, यहाँ पे भी वन हो जाएंगे, और राम उसके मालिक हैं, मुखिया हैं, और सात संख्या है तो सात वन जीरो वन जीरो वन, यानी तीनों का नंबर एक ही होगा, क्योंकि इसके जो भवन संख्या एक में तीन मतलब मकान संख्या है। अब क्या होगा कि आप जैसे मकान संख्या दो की बारी आएगी तो मकान संख्या दो लिख दिए, अब यहाँ पे हम लोग भवन संख्या कितना हो गया, दो हो गया, जीरो जीरो टू हो गया। अब मकान संख्या कितना होगा, ये बढ़ता रहेगा, जीरो देखिए अब क्या होगा, जीरो जीरो फोर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जीरो जीरो फोर हो जाएगा मकान, ये क्या मकान संख्या, और ये भी आवासीय हो जाएंगे। और इस अब मकान संख्या में परिवार कितने रह रहे हैं, तीन, याद रखिएगा कितने परिवार हैं, तीन। मान लीजिए परिवार तीन है तो परिवार का जैसे एक परिवार मतलब करीम का है, एक रहीम का है, एक रहमान का है, तो ये डॉट डॉट हो जाएगा, और ये भी डॉट डॉट हो जाएंगे, और ये भी क्या हो जाएगा, डॉट डॉट। यहाँ इसको नहीं बढ़ाएंगे, क्यों नहीं बढ़ाएंगे कि भवन संख्या दो है लेकिन भवन संख्या में मकान संख्या कितना है, संख्या मतलब एक ही है, जीरो जीरो फोर मतलब एक ही है ना, लेकिन परिवार संख्या इसमें कितना है, तीन है, तो तीन करीम रहीम और रहमान का, तो इसीलिए इसको डॉट 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 कर देंगे, इसको भी डॉट कर देंगे, और रहीम करीम इसका मान लीजिए करीम का संख्या सिक्स है, रहीम का संख्या सेवन है, आठ कर देंगे, और इसका होगा जीरो वन, क्रम संख्या जीरो टू और जीरो थ्री हो जाएंगे, है ना, क्योंकि इसमें जो भवन संख्या टू है ना, और टू में ही ये टू में एक ही भवन में परिवार तीन रहते हैं, याद रखिए एक ही भवन में परिवार कितने रहते हैं, तीन रहते हैं, इसीलिए वो सीरियल जाएगा जीरो वन जीरो टू जीरो थ्री क्रम संख्या। लेकिन एक ही भवन में भवन एक है और मकान भी क्या है, यहाँ पे मकान संख्या तीन है, मकान संख्या क्या है, तीन है, इसीलिए उसका क्रम संख्या जीरो वन जीरो वन जीरो वन ही होगा। तीन तो बात समझ गए ना, ये बहुत ही एक सिंपल मतलब आइडिया है, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है, है ना, और आप याद रखेंगे, आप देखेंगे ये तो सीरियल चलता रहेगा, लेकिन ये भवन संख्या देखिए, ये देखिए सीरियल चलता रहेगा, और मकान संख्या भी देखिए ये सीरियल चलता रहेगा, जैसे 001 002 003 004 ये सीरियल मतलब ये भी चलता रहेगा और ये भी चलता रहेगा, लेकिन इसका कहीं से मैचिंग करने की कोशिश मत कीजिएगा, इसमें मैचिंग करने की कोशिश करेंगे तो कन्फ्यूज़न पैदा हो जाएगा। हाँ फिर मैं बताऊं कि हमको उतना ही काम करना है जो हमको निर्देश मिले, उन निर्देश से कभी भी अपनी लॉजिक का इस्तेमाल नहीं करें, लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं हम फंसते जाएंगे। जो भी काम हम करेंगे ना तो सबसे बेहतर आइडिया है कि हम रफ कर लेंगे, है ना, अगर एक कॉपी में हम रफ बनाते चलेंगे और रफ काम करके फिर हम फाइलन में हम भरेंगे ना तो कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए हम जब भी काम करें एक कच्चा पेपर कर लें, यानी बिल्कुल एक रफ में काम करते चले, रफ कॉपी में कर ले पूरी, और जब आप सेटिस्फाइड हो जाए संतुष्ट हो जाए तब जाकर चीज़ को फाइनल भरें, चूँकि आपका जो फॉर्मेट मिलेंगे ना उसको फोल्ड भी नहीं करना है, चूँकि फोल्ड नहीं करें कंप्यूटर से अपलोड करना है तो फोल्ड होंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए फोल्ड भी नहीं करना है, और उसमें कोई अगर गलती कर ली, और मानक अंक का यूज़ करना है, अगर जो स्टैंडर्ड लेटर्स होते हैं ना उसका इस्तेमाल करना है, स्टैंडर्ड लेटर्स का इस्तेमाल करेंगे जो भी जो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो जो मानक स्टैंडर्ड लेटर होते हैं ना उसका इस्तेमाल करना है, है ना। तो आप जब रफ कर लेंगे, रफ में सारे चीज़ को ओके हो जाएंगे, आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे, तब उस चीज़ को आप जो फेयर में करेंगे जो फाइनल में करेंगे ना कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं समझता हूँ कि एक छोटा सा मेरा एक प्रयास था, ये प्रयास से हमारा आप लोग को बिल्कुल कहीं ना कहीं हेल्प करेगा और कहीं ना कहीं आपको मदद करेगा। अगर यह अच्छा लगे वीडियो तो निश्चित रूप से शेयर करें और अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट भी डालें, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो और भी हम लोग कोशिश करेंगे।